आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन सावन महीने की समाप्ति का द्योतक भी माना जाता है। रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार हर साल कमोबेश अगस्त महीने में आता है। रक्षाबंधन के अलावा भाई दूज का पर्व भी भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया है, ऐसे में बहन अपने भाई को राखी कब बांधेगी, इसे लेकर तरह तरह की बातें प्रचलन में है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व किस तारीख को होगा। सनातन धर्म के जानकारों के अनुसार पंचांग के हिसाब से इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को 3:04 पर आरंभ हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस साल रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा समय। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। जानकार आचार्यों का मत है कि रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वहीं कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक पर भद्रा पुंछ रहेगा। फिर सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और इस काल कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकती है। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि इस साल रक्षाबंधन के शाम पंचक भी रहेगा। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7:00 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचक होगा इसके अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। जानकार विद्वानों ने बताया कि सावन महीने के अंतिम सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7:38 तक का समय मिलेगा। वही कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि 19 अगस्त को राखी बांधने का सबसे खास मुहूर्त दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4:20 तक रहेगा। आप उसमें राखी बंधवा सकते हैं। राखी बांधने के लिए कुल आपको 2:37 का समय मिलेगा, जो कि सबसे शुभ समय माना जा रहा है। इसके अलावा आप शाम के समय प्रदोष काल में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। इस दिन शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। आइए जानते हैं कि आखिर भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी। रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। जानिए रक्षाबंधन पूजन विधि। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों उपवास रखे। इस दिन पहले एक थाल ले ले। थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बैठाएं। उसके बाद पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें। फिर भाई की आरती करें। मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें।
रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई या बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले, फिर बहन को सामर्थ्य अनुसार उपहार दे। उपहार में ऐसी वस्तुएं दे जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र या तीखा या नमकीन खाद्य न दे। जानिए रक्षा सूत्र या राखी किसी होनी चाहिए। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए जिसमें लाल, पीला और सफेद रंगा का समावेश हो। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। रक्षाबंधन पर करें इस मंत्र का जाप। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की विशेष मान्यता है। ऐसे में आप भी अपने भाई को राखी बांधते वक्त इस विशेष मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र को जपते हुए राखी बांधने से भाई बहन में प्यार हमेशा बना रहता है। राखी बांधते वक्त इस मंत्र का करें जाप। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला जानिए रक्षाबंधन की कथा के संबंध में। एक बार 12 साल तक देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की हार हुई और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हार से निराश इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि मेरा युद्ध करना अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमें हार ही हाथ लगी है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी यह सब सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, आप ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, इससे आप जरूर विजय होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान के साथ रक्षाबंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रणक्षेत्र में पहुंचे तो असुर इतने भयभीत हुए कि वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई और तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं श्रवण पूजन के संबंध में। सावन महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही पितृभक्त बालक श्रवण कुमार रात्रि के समय अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गया। वही कहीं शिकार की ताक में राजा दशरथ छिपे हुए थे। उन्होंने जल के घड़े की आवाज को पशु का शब्द समझकर शब्द भेदी बांध छोड़ दिया, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके नेत्रहीन माता पिता विलाप करने लगे। तब दशरथ जी ने अज्ञानता में हुए अपराध के लिए माफी मांगी और श्रावणी के दिन श्रवण पूजा का प्रचार किया। तब से श्रवण पूजा की जाने लगी और सबसे पहले रक्षा सूत्र श्रवण को अर्पण करते हैं। श्रावणी उपाकर्म के बारे में जानिए। सावन महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही श्रावणी उपाकर्म का समय माना गया है। यह दिन विशेषकर ब्राह्मणों का पर्व है, जिसमें वेद पारायण का शुभारंभ किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत, जनेऊ का पूजन किया जाता है और पुराने यज्ञोपवीत को उतारकर नया धारण किया जाता है। यह प्रथा प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों के साथ इस अनुष्ठान को करते थे। आप अपने इष्ट देव को रक्षा बंधन पर रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। राखी के दिन आप किस तरह अपने इष्ट देव को रक्षा सूत्र बांधे, इसके लिए जानकार विद्वानों का मत है कि सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहने। काले रंग से परहेज करें। पूजा कक्ष को पूर्ण रूप से साफ सुथरा करें। राखी की थाली तैयार करें और उसमें सभी चीजों को रखें। इसके बाद अपने इष्ट देव को भक्ति के साथ रोली या हल्दी का तिलक लगाएं। उसमें अक्षत जरूर मिलाएं। फिर घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं और आरती उतारें। अंत में अपने इष्ट देव की प्रतिमा को राखी बांधते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। राखी बांधने के बाद अपने इष्ट देव से आशीर्वाद ले और अच्छे जीवन की कामना करें। राखी बांधने तक उपवास रखें और तामसिक चीजों से परहेज करें।